ईश्वर क्या घबराना दुख से, ईश्वर ने जिंदगी दी है तो भाग भी उन्होंने ही लिखे हैं, और भाग में दुख वो भी उन्होंने ही डाले हैं। ईश्वर है ना, सब संभाल लेंगे, हम तो बस अपना काम करते रहे। और फिर गीता में भी तो लिखा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल वो अपने आप देंगे। हमारा तो बस यही मानना है कि अगर मन का हुआ तो बहुत अच्छा, और अगर मन का नहीं होता तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें ईश्वर की इच्छा जो छुपी हुई होती है। तभी तो हम पूरे घर की जिम्मेदारी संभालते हैं, सारा काम करते हैं, छोटे भाई की पढ़ाई का ध्यान भी तो हम ही रखते हैं। शाम तक तो ऐसे लगता है कि पूरा बदन टूट गया, ऐसे लगता है जैसे कोई बेलन पीस रहा हो बदन पे। लेकिन फिर भी एक संतोष मिलता है कि हमने सारा काम बहुत अच्छे से किया। बहुत बड़े बड़े सपने नहीं है हमारे, लेकिन एक छोटा सा सपना है कि हम एक प्यारे से घर में जाए और बहुत सारा प्यार बिखेर दे, सबकी सेवा करें, जिंदगी की एक नई शुरुआत करें। जिंदगी से यही तो सीखा है मैंने कि हर हाल में बस मुस्कुराना चाहिए। इतना छोटा सा सपना तो देख ही सकते हैं हम।